बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अली मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर बायोलॉजी, इन टुडे लेक्चर वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक फोटोपीरियडिज्म। भाई व्हाट इज फोटोपीरियडिज्म, इसकी डेफिनेशन आपकी किताब में प्रॉपर नहीं है, तो आप इस प्रॉपर डेफिनेशन को जो है वो नोट कर लें। द फिनोमिनॉन इन विच प्लांट्स शो रिस्पॉन्सेस towards changes in period of light or dark is called photoperiodism। वो plants के अंदर phenomena, वो natural process जिसमें plants जो हैं अपने responses, अपने behaviors जो हैं वो किस stimuli के जवाब में period, duration of light or dark के response में show करते हों, ठीक है ना जी। उसकी examples बेटा जी कुछ आपको दिए हैं, flowering, जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि जो है वो सर्दियों में के मौसम में फ्लावर पैदा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गर्मियों के, जो गर्मियों में पैदा करते हैं ना, उन्हें बहार के पौधे कहते होते हैं, ठीक है ना जी। और जो सर्दियों में फूल पैदा करते होते हैं वो खजां के पौधे कहलाते हैं। एक होती है रबी और खरीफ, ऐसे तो बहरहाल हमारी मतलब रबी और खरीफ जो है ना, ये हमारी उर्दू या हिंदी के इस तरह के टर्म्स हैं। तो बहरहाल सीड प्रोडक्शन जो है और या बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी, लीफ फॉल, बर्ड एंड सीड जर्मिनेशन एटसेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो बेटा जी अब जो है इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी किताब में ये कुछ इस तरह से कैसे लिखा हुआ है, पहले पैराग्राफ को देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एंड फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट वे इन विच लाइट एग्जर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी फोटोसिंथेसिस और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स के अलावा भी लाइट जो है वो प्लांट्स की ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले करती है। थ्रू वेरिएशन इट्स डे लेंथ, अपनी डे लेंथ में वेरिएशन, देखें साल के चारों मौसम में जो है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो है वो दिन का दुरानिया बदलता रहता है, ठीक हो गया ना जी। तो इन प्लांट्स फोटो पीरियड एंड टेम्परेचर अफेक्ट्स फ्लावरिंग फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन, बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी, लीफ फॉल एंड जर्मिनेशन। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो हम पढ़ेंगे किसके अंदर जो है, एक अगला टॉपिक हमने पढ़ना है वर्नलाइजेशन, उसमें। तो अभी फिलहाल आज फोटोपीरियडिज्म। तो बेटा जी हम फोटोपीरियडिज्म में ना बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी या फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन इस चीज़ों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बात करेंगे, फ्लावरिंग रिस्पॉन्स के ऊपर बात करेंगे कि वाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड ऑन द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। बड़े फ्लावरिंग का मतलब प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर है, फ्लावर का खिलना नहीं है। अक्सर स्टूडेंट जो है फूल का खिलना फ्लावरिंग समझते हैं, नहीं, वो ब्लूमिंग है। यहाँ पे फ्लावरिंग से मुराद क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। जब प्लांट्स जो है इन फोटोपीरियडिज्म जो है, द प्लांट्स व्हेन शूट मेरिस्टेम रिसीव्स, शूट मेरिस्टेम जो है जिसे हम एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं, मैंने आपको 16 चैप्टर में पढ़ाया भी था, ठीक है ना जी। वो डिवाइड करके नीचे सेल्स पैदा करता जाता है, वो नीचे सेल्स में से जो है वो जो कुछ सेल्स हैं वो बर्ड्स बनते हैं। बर्ड्स कहते होते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स को, जिनमें ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो कि एक नए ऑर्गन की इब्तिदा करते हैं। तो जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है प्रोड्यूस फ्लोरल बर्ड्स, फ्लावर के बर्ड्स, फूल की डोडियाँ बनाना शुरू कर देता है, पैदा करना शुरू कर देता है, इंस्टेड ऑफ लीफ बर्ड्स के जी लीफ के इनिशियल्स बनाने की बजाय, और लेटरल बर्ड्स जो हैं वो लेटरल ब्रांचेस के बर्ड्स की बजाय। तो अब बेटा जी डिस्कवरी आ गई है, गार्नर एंड एलर्ट जो है 1920 में दे स्टडीड द टोबैको प्लांट फ्लावर्स, के टोबैको प्लांट जो है वो फूल पैदा करता है ओनली आफ्टर एक्सपोजर टू शॉर्ट डेज, ठीक है ना जी, शॉर्ट डेज। जब तंबाकू के पत्ते सिर्फ उस वक्त ही फ्लावर पैदा करते हैं जब वो शॉर्ट डेज में से गुजरते हैं, तो इसका मतलब है कि वो शॉर्ट डे प्लांट्स उनको डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। तो टोबैको प्लांट नेचरली फ्लावर्स अंडर सेम कंडीशंस इन आटम, जब खजान का मौसम आता है ना हमारे यहाँ नवंबर अक्टूबर, ठीक है ना जी, तो दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो बट फ्लावरिंग कुड बी इंड्यूस्ड बाई कंडीशन आर्टिफिशली टू शॉर्ट डेज जो है एक्सपोजिंग, आर्टिफिशली गर्मियों के मौसम में उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें गर्मियों के मौसम में जो है वो टोबैको को एक ऐसे कमरे में रखा जहाँ पे टेम्परेचर गर्मियों का था, लेकिन
उन्होंने वहां पे डार्क पीरियड बढ़ा दिया, रातें लंबी कर दी, दिन जो है वो क्या कर दिए, छोटे कर दिए। तो तब भी गर्मियों के मौसम में टबैको प्लांट्स ने फ्लावर पैदा किए। तो ये फ्लावर प्रोडक्शन जो है वो शोन बाय द टबैको प्लांट्स शो दैट दे नीड अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ लाइट टू प्रोड्यूस फ्लावर बर्ड्स आर फ्लावर्स। तो बेटा जी विद फर्दर स्टडीज जो है मजीद उन्होंने क्या किया, मुताले किया, वर एबल टू क्लासीफाई द प्लांट्स, उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की ऑन द बेस ऑफ पीरियड्स। वो क्लासिफिकेशन आपको अगले पेज पे टेबल 8.18.1A में नजर आ रही होगी। शॉर्ट डे प्लांट्स जिन्हें SDPs कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स जिन्हें LDPs कहते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स जिन्हें DNPs के नाम से पुकारा जाता है। तो विद फर्दर स्टडीज दे वर उन्होंने मजीद जो है ये बात भी देखी कि लेटर ऑन फर्दर स्टडीज, तीसरा पैराग्राफ बेटा जी पेज 90 पे, लेटर ऑन फर्दर स्टडीज इंडिकेटेड दैट इट इज रियली द लेंथ ऑफ द डार्क पीरियड। असल में लाइट पीरियड जो है ये देखें, एक दिन जो होता है ना वो 24 घंटों का होता है, उसमें कुछ आवर्स जो है वो क्या होते हैं लाइट के होते हैं और कुछ आवर्स जो है वो डार्क के होते हैं इस तरह से। तो वो जो उनकी स्टडीज के मुताबिक जो है वो टबैको प्लांट को फोटो पीरियड की बजाय असल में डार्क पीरियड जो है वो फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। अगर उसकी डार्क पीरियड्स को वो डिस्टर्ब करते थे तो उन टबैको प्लांट्स ने फ्लावर पैदा करने बंद कर दिए, फ्लावर्स पैदा करने बंद कर दिए। तो इट मीन्स के अगर इफ दी लॉन्ग नाइट्स इज, देखेंगे पैराग्राफ में दी द शॉर्ट डे प्लांट्स आर रियली लॉन्ग नाइट प्लांट्स, असल में कौन है LNPs हैं, SDPs कौन है, शॉर्ट डे प्लांट्स कौन है LNPs हैं। इफ दे आर ग्रोन इन शॉर्ट डेज बट दी लॉन्ग नाइट इज इंटरप्टेड, उसके डार्क पीरियड को क्या करते हैं उसमें एक बल्ब जला दिया जाए तो ये शॉर्ट पीरियड फ्लावरिंग प्रिवेंटेड, फ्लावरिंग रुक जाती थी। हालांकि उसका मौसम है फ्लावर पैदा करने का, लेकिन उसके उसी मौसम के अंदर जो है हमने उसका डार्क पीरियड डिस्टर्ब कर दिया। किसने, गार्नर एंड एलर्ट ने, मैंने तो नहीं किया। लॉन्ग डे प्लांट्स विल फ्लावर इन शॉर्ट डेज इफ लॉन्ग नाइट पीरियड इज इंटरप्टेड। तो जारी बात है लॉन्ग डे प्लांट जो है उनकी नाइट्स क्या होनी चाहिए, छोटी, लेकिन अगर आप लाइट नाइट्स को जो है उसमें रोशनी प्रोवाइड कर दें तो वो फिर फ्लावर पैदा करेंगे जी। तो बड़ा जी क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं, पेज 91 पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स जो है तो अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लावरिंग। तो पहले बड़े डेफिनेशन आपकी किताब के मुताबिक शॉर्ट डे प्लांट्स की, फ्लावरिंग इंड्यूस्ड बाय डार्क पीरियड्स लॉन्गर देन क्रिटिकल लेंथ, लॉन्गर देन क्रिटिकल लेंथ जो है तो क्रिटिकल लेंथ से ज्यादा होनी चाहिए। तो पहले आप बड़े क्रिटिकल लेंथ जो है इसकी डेफिनेशन मैंने इधर बोर्ड पे लिख दी है, क्रिटिकल लेंथ या क्रिटिकल डे लेंथ इज द पीरियड ऑफ लाइट ऑफ ए डे जो कि 24 घंटों का वो पीरियड है लाइट का रिक्वायर्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, जो फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट्स में दरकार होता है एंड इनहिबिटिंग करता है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक हो गया ना जी। तो मसलन जो है क्रिटिकल लेंथ जो है कोकल बर, कोकल बर को बड़ी मोहब्बत बूटी भी कहते हैं, ये ना इसके जो फ्रूट्स होते हैं ना उसके ऊपर कांटेस लगे होते हैं और जब आप उस झाड़ियों में से गुजरते हैं ना तो आपके कपड़ों के ऊपर, जिस्म के ऊपर जो है वो, या बालों में चिपक चिपक जाते हैं। तो इसका जो है ना वो उसी फ्रूट्स को ना ग्राइंड करके तो बालों को जो जर्द रंग देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ जो है क्रिटिकल लेंथ कोकल बर की शुड बी स्मॉलर देन 8.5 आवर्स, स्मॉलर होनी चाहिए 8.5 आवर्स। देखिए ये 8.5 आवर्स क्रिटिकल लेंथ है, ये डे लेंथ है। अगर डे पीरियड जो है वो 8.5 घंटे से छोटा होगा या 8.5 घंटे के बराबर होगा तो ये कोकल बर फ्लावर पैदा करेगा। और इसी तरह से टबैको प्लांट जो है अगर उनका जो है वो फोटो पीरियड यानी क्रिटिकल लेंथ जो है वो 10 से 11 घंटे के बराबर हो या उससे छोटा हो तो ऑटोमेटिकली जब ये छोटा होगा तो नाइट्स लंबी होती जाएंगी। जैसे डार्क पीरियड्स इधर मैंने साफ लिख दिए हैं, ठीक है ना जी, क्या जी कहते हैं नेचुरल कंडीशंस इक्वल टू डे शॉर्टर देन क्रिटिकल लेंथ, तो डेज क्या होने चाहिए क्रिटिकल लेंथ से छोटे होने चाहिए। तो फिर नाइट्स क्या होनी चाहिए जो है कोकल बर के लिए, फिर नाइट जो है वो 5.5 घंटों से ग्रेटर होनी चाहिए और टोबैको के लिए 13 से 14 घंटे के से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बड़ा जी डे पीरियड शुड बी शॉर्टर देन क्रिटिकल लेंथ, ठीक है ना जी, एंड नाइट शुड बी ग्रेटर देन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो ये इस तरह से है। अब बड़ा जी लॉन्ग, इसकी एग्जांपल्स भी साथ दे दी गई है, क्राइसेंथिमम गुलदाउदी जिसे कहते हैं, सोयाबीन,
टोबैको स्ट्रॉबेरी इसकी और एग्जांपल हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स डेफिनेशन, डेफिनेशन पढ़े आप किताब के मुताबिक, फ्लावरिंग फ्लावरिंग इंड्यूस्ड बाय डार्क पीरियड शॉर्टर देन क्रिटिकल लेंथ, तब ये प्लांट्स फ्लावर पैदा करेंगे अगर क्रिटिकल लेंथ यानी डे लेंथ से क्या हो जाए, जब वो शॉर्ट हो जाए यानी दिन और छोटा हो जाए। क्रिटिकल लेंथ हैन बीन बांगो को कहते हैं, पहाड़ी इलाकों में आम खालों के ऊपर उगती है, नदी नालों के किनारे पे हैन बीन। तो इसकी जो क्रिटिकल लेंथ है ये ग्रेटर होनी चाहिए 13 घंटों से, ठीक हो गया ना जी। तो जो है बड़े 13 घंटे, डार्क पीरियड जो है वो छोटा होना चाहिए कि इससे 11 घंटों से, 13 और 11 जमा 24। तो ये इसकी एग्जाम्पल हैन बीन, हायो स्कैमस नाइगर इसका साइंटिफिक नेम, बांगी जिसे कहते हैं, स्नैप ड्रैगन, गुले मेमून जो है, ये गुले मेमून हमारे यहाँ ना पार्क वगैरह में लगे होते हैं, वो लंबी सी छड़ी सी होती है और उसके किनारों पर जो है छोटे छोटे से पीले पिंक और वाइट कलर के इस तरह के गुलाब कई तरह के होते हैं। कैबेज जो है जिसे बंद गोभी हम कहते हैं, फिर स्प्रिंग वीट है, तो हमारे इलाके में जो है वीट जो है वो स्प्रिंग वीट है, स्प्रिंग बार्ली, ये हमारे इलाकों की जो है। तो बड़े डे न्यूट्रल प्लांट्स आ गए। तीसरा ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो है फ्लावरिंग इंडिपेंडेंट ऑफ पीरियड्स, फोटो पीरियड पे डिपेंड ही नहीं करती, चाहे दिन लंबा हो छोटा हो उसके ऊपर नहीं, इन्हें DNPs के नाम से पुकारा जाता है। तो बड़ा जी ककम्बर, खीरा, टोमेटो, गार्डन पी, मेज कॉटन इसकी एग्जाम्पल्स हैं। बड़ा जी अभी आप अपनी किताब पे जरा तवज्जो करें तो आपको जो है वो टेबल 18.1B भी साथ मैंने करवाना है। तो जरा देखें, सम फाइटोक्रोम्स कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइटोक्रोम क्या है। फाइटोक्रोम जो है ना वो ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के लीव्स के अंदर एक पिगमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लू लाइट सेंसिटिव पिगमेंट प्रोटीन, पिगमेंट भी कह देते हैं, ब्लू लाइट सेंसिटिव पिगमेंट जो है, तो ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड फाइटोक्रोम प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। तो फोटो पीरियड एंड डार्क पीरियड जो है उसका तयन प्लांट फाइटोक्रोम की क्वांटिटी से करता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक फाइटोक्रोम जो है उसको हम कहते हैं जी रेड फाइटोक्रोम कह देते हैं, ठीक है, और दूसरे को इंफ्रा रेड के नाम से पुकारा जाता है। तो इन दोनों की क्वांटिटीज जो हैं लीव्स के अंदर जो है वो डिटरमिन करती हैं कि प्लांट्स को ज़्यादा फोटो पीरियड लंबे मिल रहे हैं या डार्क पीरियड्स लंबे मिल रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स को कैसे पता चलता है कि ये वक्त जो गुजर रहा है ये लॉन्ग डे पीरियड्स का है या, तो इस तरह से फाइटोक्रोम्स जो हैं उनकी क्वांटिटी एक बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करती है, कैसे वो हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी बेटा जी फाइटोक्रोम्स जो हैं देखें, जनरल प्रोसेस अफेक्टेड जर्मिनेशन, पहला जो है रेड लाइट प्रोमोट्स जर्मिनेशन ऑफ सम सीड्स, एग्जांपल के सम लेट्यूस वैरायटी, सलाद जिसे कहते हैं, सैलड, ठीक हो गया ना जी। फोटो मार्फोजेंसिस, फोटो मार्फोजेंसिस का ज़रा लफ्ज गौर करें, फोटो रोशनी, मार्फो शेप, जेंसिस जनरेट करना, पैदा करना, तो यानी प्लांट्स के वो जो पत्ते हैं वो अपने आप को सीधे करते हैं, ठीक है। जब वो पैदा होते हैं तो वो गोल हो सकते हैं, जैसे वो सिरसिनेट वर्निशन याद करें तो वो अपने आप को खोलेंगे, जो है वो लेटरल ब्रांचेस का जो है वो अपने आप को सीधा कर लेना, लंबा कर लेना वगैरह, इलांगेशन करना, ठीक है ना जी। येलो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का जो है वो ग्रीन कलर प्लांट्स में तब्दील होना, ये सारे फोटोमॉर्फोजेंसिस के डिफरेंट किस्म के फिनोमिना हैं। तो बेटा जी लीफ एक्सपेंशन, पहला लीफ एक्सपेंशन पत्ते का फैलना फोटोमॉर्फोजेंसिस, ठीक है जी। तो इन डाइकोटिलीडेंस लीफ अनरोलिंग, लीफ का जो है वो सीधा होना, इन ग्रासेस मोनोकोटिलीडेंस, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, ये फोटोमॉर्फोजेंसिस नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट का बनना, तो डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से एटियोप्लास्ट अपने आप को कन्वर्ट्स, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट को बड़े कैसे डिफाइन किया गया है, एटियोप्लास्ट जो कि कलरलेस इनिशियल प्लास्टर्ड होता है, कलरलेस, एटियोप्लास्ट का मतलब लिख लें कलरलेस इनिशियल प्रोटो इनिशियल जो है वो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट, इनिशियल प्रोटोप्लास्ट, ठीक हो गया ना जी। कन्वर्टेड टू क्लोरोप्लास्ट एटियोलेशन को हम आपको बताएंगे, असल में बात यह है कि जो है ना वो क्लोरोफिल जब
पहले बन जाता है, लेकिन उस वक्त तक जो है वो अपनी फंक्शनल नहीं आता है, उसे हम प्रोटोक्लोरोफिल कहते हैं। जब तक उसके प्रोटोक्लोरोफिल के ऊपर रोशनी पड़ते हैं तो फिर वो ग्रीन क्लोरोफिल में तब्दील होता है, और फिर वही प्रोटोप्लास्ट जो है, जिन्हें हमने एटियोप्लास्ट कहा है, वो अपने आप को किस में तब्दील कर लेते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में तब्दील कर लेते हैं। तो बेटा जी ग्रीनिंग, इसकी वजह से ग्रीनिंग होती है, प्रोटोक्लोरोफिल कन्वर्टेड टू क्लोरोफिल, इनहिबिशन ऑफ, बेटा ये नंबर चार पॉइंट आ गया लीफ मार्फ फोटोमार्फोजेंसिस का। एक क्या था, लीफ एक्सपेंशन, दूसरा क्या था, लीफ अनरोलिंग, तीसरा क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, चौथा ग्रीनिंग, पांचवा इनहिबिशन ऑफ इंटरनोड्स ग्रोथ इंक्लूडिंग एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल एंड मीजोकोटाइल, फिर नंबर छः पे प्रिवेंशन ऑफ एट्यूलेशन, उसको रोकना, ठीक है ना जी, यानी कि पौधे पीले ना रहें बल्कि सब्ज हो जाएं। नंबर सात पे जो है वो अनहिकिंग ऑफ अनहुकिंग, अनहुकिंग का मतलब है सीधा हो जाना, प्लोम्यूल जो शूट इनिशियल ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है ना जी, पार्ट ऑफ एम्ब्रियो विच गिव राइज टू फर्स्ट शूट, उसको प्लोम्यूल कहते हैं इन डाइकोटिलीडंस। तो आखिर में बेटा ये फोटोपेरिडिज्म स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, रेड लाइट, रेड लाइट जो है वो क्या करती है, वो लॉन्ग डे प्लांट्स को फेवर करती है, जबकि इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। तो बेटा जी इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम जो है वो रेड लाइट, फाइटोक्रोम्स और फ्लावरिंग का आपस में तल्लक देखेंगे। तो कोई भी सवाल व्हाट्सएप पे है, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर, आमीन, शुक्रिया।